Hey everyone, welcome back again to the virtual classroom at Judicious. आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में. एक काफी छोटा टॉपिक है, सिर्फ एक सेक्शन 172 के अंदर ये मेंशन्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के. तो चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्लेज का डेफिनेशन. तो बेसिकली प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स. बेलमेंट का टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. आई एम ऑल्सो अटैचिंग अ लिंक ओवर हियर, तो आप वहां पर जाकर उसको कवर ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. फिलहाल इतना समझ लीजिए, बेलमेंट इज बेसिकली जस्ट अ डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट. और प्लेज के अंदर, प्लेज के केस में ये जो बेलमेंट है, दैट बेलमेंट ऑफ गुड्स इज डन एज अ सिक्योरिटी फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और डिस्चार्ज ऑफ अ प्रॉमिस. बेलमेंट में भी गुड्स, आपको ध्यान होगा, डिलीवर करे जाते हैं फ्रॉम द बेलर टू द बेली. यहां पर भी वही चीज है, मगर वहां पर पर्पस डिफरेंट था बेलमेंट का. इट माइट बी फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली एंड म्यूचुअल बेनिफिट एज वेल. जबकि यहां पर जो गुड्स की का बेलमेंट करा गया, यानी गुड्स की जो डिलीवरी करी गई, वो एक एज अ सिक्योरिटी करा गया फॉर रिपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. इंटेंशन जो है प्लेज के पीछे वो ये है कि बेली को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, जिससे हम कुछ पैसे ले रहे हैं, उसको कुछ गुड्स रखवाए जाए उसके पास, ताकि अगर हम उसको पैसे वापस, लोन जो हम उससे ले रहे हैं, रिपे नहीं करते, तो वो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर, लिक्विडेट कर अपना अमाउंट वहां से रिकवर कर सके. तो प्लेज के केस में जो बेलर होगा उसको हम बोलेंगे प्लेजर या फिर पॉनर, ठीक है. बेलर यहां पर वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा प्लेज है, ना कि बेलमेंट. वो अलग बात है कि होते यहां पर भी डिलीवरी ऑफ गुड्स ही है, बट क्योंकि पर्पस डिफरेंट हो गया, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पर्पस है, तो बेलर को यहां पर प्लेज के केस में प्लेजर बोला जाएगा या फिर पॉनर. और सिमिलरली बेली को प्लेज के केस में हम बोलेंगे प्लेजी और पॉनी. तो दीज आर सर्टेन डेफिनेशंस जो आपको बेसिक समझना चाहिए. अब आगे बढ़ेंगे एज यूजुअल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज अ कस्टमर अपनी घड़ी हैंड ओवर करते हैं एक वॉच रिपेयरमैन को. तो जाहिर सी बात है, कस्टमर ने एक घड़ी के रिपेयरमैन को दी है, तो ये तो एक पर्पस के लिए बेलमेंट हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में बेलर कौन होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, द कस्टमर इज गोइंग टू बी द बेलर एंड द वॉच रिपेयरमैन इज गोइंग टू बी अ बेली. और ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है अभी, इट इज बेसिकली अ टिपिकल टाइप ऑफ बेलमेंट और म्यूचुअल बेनिफिट का है. इनको रिपेयर्ड वॉच मिल जाएगी और रिपेयरमैन को जो वॉच रिपेयर करा उसके चार्जेस. सो दिस इज बेलमेंट, ऑलरेडी वी हैव सीन, लिंक आल्सो आई एम अटैचिंग ओवर हियर. नाउ व्हाट मेक्स दिस बेलमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्लेज इज, इसी एग्जांपल में अगर हम ये सपोज करें कि कस्टमर ने कुछ मनी बोरो कर रखा था, वॉच रिपेयरमैन से कुछ पैसे बोरो कर रखे थे कस्टमर ने, और उन पैसों की सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच हैंड ओवर कर दी किसको, वॉच रिपेयरमैन को. तो इस सिचुएशन में थोड़ी चीज जो चेंज ये हो गई कि वॉच तो यहां पर भी हैंड ओवर करी है, मगर एज अ सिक्योरिटी करी है. और सिक्योरिटी किस चीज की? उन पैसों की जो कस्टमर ने वॉच रिपेयरमैन से बोरो कर रखे हैं. तो क्योंकि ये हैंडिंग ओवर ऑफ द वॉच एज अ सिक्योरिटी हुआ है, तो कस्टमर को हम यहां पर मेयर खाली बेलर नहीं बोलेंगे, उसको हम यहां पर प्लेजर या फिर पॉनर कहा जाएगा. और सिमिलरली वॉच रिपेयरमैन को बेली बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें प्लेजी या फिर पॉनी का टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है. तो इस एग्जाम्पल से एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि
प्लेज इज ऑलवेज अ बेलमेंट, ऑब्वियसली बात है, प्लेज में डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होती ही होती है, ठीक है, हर एक प्लेज बेलमेंट तो रहेगा ही, बट अ बेलमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी अ प्लेज। ये हम पहले बेलमेंट के टॉपिक में देख चुके हैं, जरूरी नहीं है कि सारा बेलमेंट प्लेज के तौर पर ही हो, बेलमेंट तो अलग अलग पर्पसेस से भी हो सकता है। दोबारा रिपीट करूंगा, इट माइट बी फॉर अ पर्पस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बेलर और द बेली और म्यूचुअल। मूविंग ऑन, एसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर भी हमने हमें देखने होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, बाकी जितने भी टॉपिक हमने करे सब में ऑन एन एवरेज एसेंशियल एलिमेंट्स रहे ही हैं। सिमिलरली यहां पर भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। So, in all four essential elements, go through them one by one. सबसे पहला essential है goods की delivery होनी चाहिए। Goods की delivery normal सी बात है, ये necessary है अगर हमें pledge का contract बनाना है तो। ये delivery of goods actual भी हो सकती है, symbolic भी और constructive भी। ये भी हम पहले वाले video लेक्चर्स में देख चुके हैं कि डिलीवरी जो है वो इन तीन तरीके से की जा सकती है। लिंक आई एम जस्ट अटैचिंग एज अ यू नो एक लिंक मैं यहां पर शो कर रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस वहां पर चेक कर सकते हैं। तीसरी जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जब हम किसी को गुड्स दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन, तो क्या हम उस गुड्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम सिर्फ उन गुड्स का पोजेशन राइट वो ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द प्लेजर टू द प्लेजी एंड नॉट द टाइटल। टाइटल का मतलब यहां पर ओनरशिप से है। फोर्थ पॉइंट वही बोलता है कि ओनरशिप अब भी प्लेजर या फिर पाउनर के ही पास रहेगी। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स करा गया वो एक एज अ सिक्योरिटी करा गया, और सिक्योरिटी किस चीज की? सिक्योरिटी फॉर गेटिंग अ लोन फ्रॉम द प्लेजी और द पॉनी, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। आगे चलते हैं, जुडिशियल राइट यहां पर की मतलब है लीगल राइट होना चाहिए प्लेजर के पास उन गुड्स को प्लेज करने के लिए। अगर कोई नॉन ओनर, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो उन गुड्स का ओनर ही नहीं है, वो उन गुड्स को अगर प्लेज करता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। मगर इस रूल का भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट इज मूवेबल गुड्स। सिर्फ मूवेबल गुड्स का प्लेज किया जा सकता है। मूवेबल गुड्स होते कौन कौन से हैं? दे माइट इंक्लूड शेयर्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर वैल्यूएबल गुड्स, जैसे कि कोई आपका लैपटॉप, ये आप प्लेज कर सकते हैं, एनी नेकलेस, इवन योर व्हीकल। तो मूवेबल गुड्स का ही खाली प्लेज होगा, क्योंकि इमूवेबल गुड्स के लिए मॉर्टगेज टर्म का यूज करा जाता है, जिन पर हम अभी इस टॉपिक पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पर प्लेज के अंदर वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दी मूवेबल गुड्स। एक चीज जो ध्यान में रखने वाली ये है वो ये कि मनी कैन नॉट बी प्लेज्ड, बिकॉज सिंस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और हम जब कोई गुड्स, कोई मूवेबल गुड अगर प्लेज करते हैं तो हमें उसके रिटर्न में मनी ही मिलती है, ठीक है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मनी ही प्लेज कर दी, बिकॉज इट कैन नॉट बी प्लेज सिंस इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जब से हमने टॉपिक स्टार्ट करा प्लेज का, तो बार बार रेफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, क्योंकि प्लेज में भी बेलमेंट का एक पार्ट तो है ही, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होती है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना भी क्वाइट एक एसेंशियल चीज है। यहां पर टेबुलर फॉर्म में वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ डिस्कशन डिफरेंशिएटिंग प्लेज फ्रॉम द बेलमेंट। सबसे पहला तो फर्क दोनों के पर्पस में ही है। प्लेज का पर्पस हमने अभी भी देखा,
प्लेजिंग को सिक्योर करना है, जिससे हम लोन ले रहे हैं उसके उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, कि अगर हमने उसको उसके लोन का रिपेमेंट नहीं करा तो जो गुड्स हमने उसको दिए हैं, मूवेबल गुड्स जो उसके पास प्लेज करें, वो उन्हें सेल कर अपने पैसे निकाल सकता है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पर्पज है प्लेज का, किसको? प्लेजी को। जबकि बेलमेंट तो किसी पर्पज के लिए हो सकता है, पिछले वीडियो में बेलमेंट वाले वीडियो में हमने देखा था, इट माइट बी फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, बेली और बोथ। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड इज राइट टू यूज गुड्स, गुड्स को यूज करने का राइट। प्लेजी गुड्स को यूज नहीं कर सकता, उसके पास भले ही वो चीज गिरवी पड़ी है मगर वो अगेंस्ट एन अमाउंट है, पैसे मिल जाएंगे उसको, चीज वापस करनी पड़ेगी। इन द मीन टाइम ही कैन नॉट यूज द गुड्स। जबकि बेली कैन ऑब्वियसली यूज द गुड्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। पिछला वीडियो याद अगर आपको रहेगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि बेलमेंट के पर्पस के हिसाब से बेली कैन मेक द यूज ऑफ द गुड्स। डिफॉल्ट की अगर बात करें तो अगर प्लेजर ने पैसे लेकर रिटर्न नहीं करे तो प्लेजी जिसके पास वो गुड्स रखे हैं वो उन गुड्स को सेल कर सकता है, मगर सिर्फ आफ्टर नोटिफाइंग द प्लेजर, प्लेजर को इन्फॉर्म करने के बाद ही कैन डेफिनेटली सेल द गुड्स टू रिकवर हिज अमाउंट। जबकि बेलमेंट में हमने देखा बेली उन गुड्स को रिटेन कर सकता है और एक केस फाइल भी कर सकता है अगेंस्ट द बेलर, जब तक कि उसके पैसे उसको नहीं मिल जाते उस बात के लिए। बेली में रिटेन द गुड्स, लिंक मैं यहां पर दोबारा उसका प्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, प्लेज में कंसिडरेशन नेसेसरी है। एक पार्टी को आप लोन दे रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, दूसरी पार्टी आपके पास कुछ गुड्स रखवा रही है, जब वो आपको पैसे रिटर्न करेगी तो कुछ इंटरेस्ट के साथ आप वापस लेंगे और गुड्स उसको वापस कर देंगे, तो प्लेज के केस में कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है। जबकि बेलमेंट कैन ऑल्सो बी, बेलमेंट में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। तभी तो वो टाइप्स ऑफ बेलमेंट अगर आपको याद हो तो जो ग्रेचुटस बेलमेंट होता है दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड स्टिल इट इज वैलिड। सो कंसिडरेशन इन केस ऑफ बेलमेंट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट इज लियान, लिंक मैं इसका भी को यहां पर अटैच कर देता हूं उसके साथ, लियान के वीडियो का लिंक यहां पर लगा दिया है। लियान हम पहले कवर कर चुके हैं। प्लेज के केस में इवन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी, अगर खाली यू नो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं आप और इंटरेस्ट रिटर्न नहीं कर रहे तो भी प्लेजी के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को आपको रिटर्न ना करे, उन गुड्स को लियान का राइट उसके पास रहेगा। जबकि बेलमेंट में सिर्फ लेबर और स्किल का जो खर्चा हुआ बेली का, वो सिर्फ उन्हीं को रिकवर करने के लिए गुड्स पर लियान का राइट जो है वहां पर एक्सरसाइज कर सकता है। मूविंग ऑन, अभी डिस्कशन में हमने देखा जुडिशियल राइट का जब पॉइंट आया एसेंशियल एलिमेंट के अंदर, तो एक चीज देखी कि प्लेज बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स इज इनवैलिड। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे जहां पर नॉन ओनर्स के थ्रू करा गया प्लेज भी वैलिड होगा। तो जनरली तो ये प्लेज बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स इनवैलिड है, मगर एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं एक एक कर दे अपीयर ऑन योर स्क्रीन। So in all there are six conditions, six cases in which even a non-owner can legally pledge goods. Let us discuss in brief each one of them. सबसे पहला pledge by a mercantile agent. Mercantile agent के बारे में हम next video जो हमारा contract of agency होगा उसमें detail में बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना बहुत एक essential हो जाएगा और सिंपल भी है कि मर्केंटाइल एजेंट इज द एजेंट जो हमारे बिहाफ पर हमारा बिजनेस कंडक्ट करता है। ही माइट सेल आवर गुड्स, ही माइट इवन बाय गुड्स ऑन आवर बिहाफ, ही माइट कंसाइन आवर गुड्स एंड ही माइट इवन प्लेज आवर गुड्स एज द टॉपिक सेज। तो मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू करे गए प्लेज वैलिड होते हैं किन सिचुएशन में? मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन हो या फिर ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हो, पहला। दूसरा, जो पोजेशन मर्केंटाइल एजेंट के पास है उन गुड्स का, वो गुड्स के टू ओनर की
कंसेंट के साथ हो, जिसको गुड्स प्लेज करे गए, यानी कि प्लेजी या फिर पौनी वो गुड फेथ में काम करे और प्लेजी को यानी कि पौनी को प्लेजर के यानी कि पौनर के डिफेक्टिव टाइटल की मतलब ये ओनर नहीं है इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ये सिचुएशंस अगर फॉलो होती हैं तो प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। कोई ऐसा व्यक्ति गुड्स को प्लेज कर रहा है जिन गुड्स के अंदर उसका इंटरेस्ट तो है मगर वो लिमिटेड है। लेट अस सी दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, उनको एक दिन रोड पर एक साइकिल मिलती है, कोई उसका ओनर नहीं है आसपास और साइकिल की हालत बहुत खराब है। देखा थोड़ी देर तक कोई ओनर नहीं दिखा तो इन्होंने वो साइकिल वहां से उठा ली और उस पर 50 रुपीज लगाकर उसको रिपेयर करा दिया। ठीक है, नॉन ओनर है इस टाइम गुड्स का, इनको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कह सकते हैं। ना गुड्स मिले, इन्होंने उसको रिपेयर कराया 50 रुपीज लगाकर। कुछ दिन यूज करने के बाद सेम साइकिल को उन्होंने मिस्टर बी के पास प्लेज रख दिया 4 रुपीज 100। तो यहां पर टॉपिक से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, प्लेज करा है साइकिल को मिस्टर ए ने जो एक्चुअल में नॉन ओनर है और उनका उस साइकिल के अंदर इंटरेस्ट भी कितना है, लिमिटेड इंटरेस्ट है। कितने रुपए का, 50 रुपए तो लगाए थे इन्होंने, वो इनका इंटरेस्ट है मिस्टर ए का साइकिल के अंदर। अब वन फाइन डे द साइकिल ओनर फाइंड्स आउट कि मेरी साइकिल तो मिस्टर बी के पास है। ठीक है, तो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है क्योंकि साइकिल ओनर मिस्टर बी से लीगली ये साइकिल रिकवर नहीं कर सकते। ही विल कन्फ्रंट मिस्टर ए रिगार्डिंग दिस और मिस्टर ए को ये साइकिल ओनर को रिटर्न करनी पड़ेगी। बट दैट 50 रुपीज जो मिस्टर ए ने साइकिल के रिपेयर में स्पेंड करे वो ही मिस्टर ए का लिमिटेड इंटरेस्ट है इन गुड्स के अंदर। तो साइकिल ओनर को साइकिल वापस मिल जाएगी मगर उन्हें वो 50 रुपीज मिस्टर ए को रिटर्न करने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज दैट लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स विच दिस पर्सन मिस्टर ए इज हैविंग। तो साइकिल ओनर हैज टू रिटर्न। हालांकि आप ये बोलेंगे कि जी 50 रुपीज तो उन्होंने साइकिल पे रिपेयर करने पे लगाई मगर साइकिल ओनर की तो कंसेंट थी नहीं। बिल्कुल ठीक था, साइकिल ओनर की ना उस टाइम पर कंसेंट थी ना ही साइकिल ओनर का उस साइकिल पर उस टाइम पे पोजेशन था बिकॉज दैट साइकिल वॉज लाइंग अनअटेंडेड विद नो ओनर अराउंड, राइट। तो इस सिचुएशन में वेयर अ पर्सन प्लेज द गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी कि मिस्टर ए की बात हो रही है, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक वो प्लेज वैलिड माना जाएगा। ये सेकंड पॉइंट। मूविंग ऑन, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यू शुड बी नोइंग What is a voidable contract? I am attaching a link over here of types of contract. उसमें आपको voidable contract के बारे में information मिलेगी। तो ऐसे pledge की बात कर रहे हैं जो किसी एक person जो pledge कर रहा है उसके खुद के पास वो contract under a voidable contract है। How? Let us see with an example. A story about a seller and a buyer. अब ये जो buyer हैं, इन्होंने seller से कुछ goods purchase करे मगर fraudulently. ठीक है, यानी कि voidable contract का केस है। फ्रॉड कर गुड्स ऑब्टेन करें यानी कि सेलर के साथ या तो कोर्जन हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक या फिर फ्रॉड, इन पांचों कंडीशन में से किसी एक के चलते इन्होंने ये गुड्स इनको बेचे और बायर ने उन गुड्स को खरीदने के बाद voidable contract के अंडर जो गुड्स परचेज करे उनको इमीडिएटली प्लेज कर दिया एक प्लेजी के पास फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो पैसे इन्होंने ले लिए। अब जिस टाइम पर ये प्लेज हुआ है उस टाइम तक ओरिजिनल सेलर ने कोई भी ऑब्जेक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए नहीं रेज करा। सेकंड, प्लेजी बिल्कुल गुड फेथ में काम कर रहा था, ही हैज नो नॉलेज अबाउट दिस फ्रॉड विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन द ओरिजिनल सेलर एंड द बायर। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन द सेलर in such a situation claim the goods from the pledgee? The answer is absolutely not. मतलब ऐसी pledge जो एक voidable contract के through obtain करे गए goods की pledge करी जा रही है
वो वैलिड है अगर प्लेजी गुड फेथ में काम करे और प्लेजी को प्लेजर के डिफेक्टिव ओनरशिप यानी कि डिफेक्टिव टाइटल के बारे में नॉलेज ना हो। प्लस जिस टाइम पर प्लेज करी गई, मैंने ऑलरेडी बताया, उस टाइम पर ओरिजिनल सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रिसाइंड यानी कैंसिल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा था। आगे चलते हैं। प्लेज बाया को ओनर इन पोजेशन, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मल्टीपल को ओनर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं एक प्रॉपर्टी के, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक जॉइंट ओनर उस प्रॉपर्टी का को प्लेज कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास उन गुड्स का पोजेशन हो, सेलिंग पर्पस के लिए उसके पास गुड्स आए हो, और बाकी को ओनर्स की रजामंदी, सहमति यानी कि कंसेंट, और फ्री कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, फ्री कंसेंट यहां पर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज प्लेज बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। ये हम जो आपसे सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें सेल ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे, वहां से आपको और क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए, प्लेज बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल यानी कि एक सेलर है, उन्होंने गुड्स की सेल तो कर दी, मतलब गुड्स बेच दिए हैं, उसके बदले में उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं, मगर अभी बायर ने उनसे पोजेशन नहीं लिया उन गुड्स का, सेलर के पास ही गुड्स का पोजेशन है। कई दफा होता है हम दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और पैसे दे देते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं भैया इन गुड्स को अपने पास रखिएगा, मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूं, तब आपसे काउंटर से ये गुड्स उठा लूंगा। वही केस है। ऐसी सिचुएशन में उस सेलर ने गुड्स बेच तो दिए, मगर उसको उन गुड्स को बेचने के बाद भी उसका उन गुड्स का पोजेशन अभी भी सेलर के पास ही है। ऐसी सिचुएशन में वो सेलर उन गुड्स का वैलिड प्लेज कर सकता है, मतलब जिनके गुड्स का वो ओनर नहीं है, ओनर आप हैं, ओनर बायर है, तभी भी वो सेलर उन गुड्स का वैलिड प्लेज कर सकता है, प्रोवाइडेड जिसको वो गुड्स प्लेज कर रहा हो वो गुड फेथ में काम करे और उसे ओरिजिनल जो ये सेल हुई है पहले आपके और उस शॉपकीपर के बीच में उसके बारे में उसे नॉलेज ना हो। आप रिटर्न वापस शॉप पर आते हैं और पूछते हैं मेरे गुड्स कहां गए, पता चलता है वो तो प्लेज हो गए, तो आप उस सेलर से ही तो क्लेम कर सकते हैं, आपके पास तो राइट अगेंस्ट दैट सेलर है, ना कि दैट प्लेजी, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। क्या प्लेजी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड प्लेजी हैज नो नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल। नाउ प्लेज बायर, बायर जो पहला वाला पॉइंट पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट है, यहां पर बायर उन गुड्स का प्लेज कर रहा है जिन गुड्स का उसके पास पोजेशन तो है मगर अभी सेल नहीं हुई है। ये भी जनरल देखा जाता है, अगर शॉपकीपर हमारा जानने वाला हो, हम जाते हैं कुछ गुड्स उसके पास से उठा के ले आते हैं और बोलते हैं पैसे दे देंगे बाद में, तो जब तक पैसे नहीं दिए आप ओनर नहीं बने, मगर पोजेशन आपके पास है, तो बायर ऐसी सिचुएशन में उन गुड्स का प्लेज, वैलिड प्लेज कर सकता है। कंडीशन यहां पर भी वही है प्रीवियस वाली, जिसको वो गुड्स प्लेज करे वो गुड फेथ में काम कर रहा है, प्लस उस प्लेजी को कोई नॉलेज नहीं है उन गुड्स के ओनरशिप के बारे में कि आप ओनर हो या वो शॉपकीपर ओनर है, इस बारे में प्लेजी को कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजर, इसके बाद देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजी, और चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टीज हैं तो द राइट्स ऑफ वन विल बी द ड्यूटीज ऑफ अनदर, बट ऑफ कोर्स ही बात है। सबसे पहले प्लेजर का पॉइंट देखते हैं। राइट्स ऑफ प्लेजर, जो गुड्स प्लेज कर रहा है उसके राइट्स क्या हैं? फर्स्ट राइट टू रिडीम डेट, मतलब वो उन गुड्स को जिनको उसने रखवाया हुआ है बदले में कुछ पैसे ले रखे हैं उन गुड्स को वापस छुड़ाने का राइट, उनको वहां से रिलीज कराने का राइट इसके पास है। कैसे? पेमेंट कर देगा, गुड्स को रिलीज करा लेगा, राइट टू रिडीम डेट। दूसरा राइट टू रिसीव बैक द गुड्स, ऑब्वियसली जो गुड्स दिए हैं वापस लेने का राइट भी इनके पास है। राइट टू रिसीव द इंक्रीज इन गुड्स, अगर जो गुड्स प्लेज करे उनमें प्लेज के ड्यूरेशन के दौरान कोई एडिशन हो गया, मान लीजिए कैट प्लेज कर रखी है अपनी बिल्ली और कैट ने वहां पर बर्थ दे दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेज किनको, किटन्स को, तो जो प्लेजर है उसके पास ये राइट है कि वो कैट भी रिकवर करे और किटन्स भी, बिकॉज दैट किटन्स आर बेसिकली द इंक्रीज इन द गुड्स ऑफ द प्लेजर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अंडर द राइट्स ऑफ प्लेजर इज राइट टू प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स, बिल्कुल गुड्स गिर भी रखे हैं ठीक है, तो इसलिए कि वो प्लेजी उन गुड्स का ढंग से उनको अपने पास प्रिजर्व करके रखे, ये नहीं कि उन्हें खराब कर दे या
उनको उनकी कंडीशन बहुत बेकार कर दे, राइट, उसको उनके मेंटेनेंस जो है वो तो प्लेजर को करनी पड़ेगी, ये प्लेजर का राइट है। सेकंड अब आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ प्लेजर, जिसने कुछ प्लेज करे उसके कुछ ड्यूटीज भी हैं। पहला टू रिपे द डेट, भाई जो पैसे लिए हैं एज अ लोन वो लौटाने भी तो हैं, तो ये उसका ड्यूटी है। सेकंड टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू द प्लेजी, आपने जो गुड्स प्लेज करे, जैसे मान लीजिए कैट का मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी बेलमेंट के टॉपिक में भी हमने कैट वाला एग्जाम्पल पे बात करी थी, और वो कैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेज बीमार हो जाती है, और प्लेजी क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर अभी चल ही रहा है, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ गुड्स होना चाहिए। अब भाई प्लेजी के पास पोजेशन था कैट का प्लेज के ड्यूरेशन में, और कैट होगी बीमार, तो प्लेजर ने को का ये एक बेसिक उसकी ड्यूटी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर को बुलाना, वेटरनरी डॉक्टर के सारे एक्सपेंसेस वो पे करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द एंड प्रिजर्व द गुड्स दैट आर प्लेज्ड, क्योंकि ये देख समझ रहे होंगे आप फोर्थ नंबर पॉइंट इससे रिलेटेड है, राइट है प्लेजर का, तो प्लेजी को तो प्लेजर को तो ये ड्यूटी भी बन जाएगी उसकी, ठीक है, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स और रिस्क एसोसिएटेड विद द गुड्स प्लेज, जो गुड्स प्लेज करे हैं उनके साथ अगर कोई उनके साथ कोई दिक्कत है, वो कैट मान लीजिए जो प्लेज करी गई वो अगर मेंटली फिट नहीं है, काट लेती है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये भाई तो ड्यूटी प्लेजर की है कि वो उस बारे में प्लेजी को इन्फॉर्म करके पहले ही चले, राइट तो ये हो गए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजी, पहले वाले से कॉरेस्पॉन्डिंग ये राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। प्लेजी का राइट क्या है, जो पैसे दिए उनको रिसीव वापस करने का राइट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर खर्च करे प्लेजी ने उन गुड्स के ऊपर तो भी इसका राइट है उनको रिकवर करना। राइट टू पर्टिकुलर लियन, प्लेजी के पास ये राइट्स है कि अगर प्लेजर रिटर्न नहीं करता लोन का अमाउंट तो पर्टिकुलर लियन के की पावर को प्लेजी एक्सरसाइज कर सकता है और उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है। एंड टू एंजॉय गुड टाइटल टू द गुड्स प्लेज्ड अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गुड्स को प्लेज करा गया तो प्लेजी के पास, हमने एग्जांपल में भी देखा था ये अभी, ये राइट है कि वो उन गुड्स के टाइटलशिप को यानी कि ओनरशिप को एंजॉय कर सकता है। प्लेजी की ड्यूटीज, गुड्स का ध्यान रखना है, गुड्स को वापस रिटर्न करना है जब पैसे अपने वापस मिल जाएं लोन के, अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना उन प्लेज्ड गुड्स का, अपने खुद के गुड्स से उन प्लेज्ड गुड्स को मिक्स नहीं करना, और गुड्स में अगर कोई इंक्रीज होता है तो उनको भी उस इंक्रीज को भी रिटर्न करने की ड्यूटी प्लेजी की बनती है। फाइनल नोट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द प्लेजी, अगर प्लेजर डिफॉल्ट कर देता है यानी कि लोन का अमाउंट वापस नहीं कर रहा तो प्लेजी क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में छोटा नोट, बट ऑब्वियस है एक केस फाइल कर सकते हैं प्लेजर के अगेंस्ट, जो गुड्स उनके पास प्लेज थे उनका पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकते हैं, अगर कुछ टाइम तक प्लेजर वापस नहीं आ रहा अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए तो प्लेजी प्लेजर को नोटिस देने के बाद उन गुड्स को सेल ऑफ कर सकते हैं। और अगर उन गुड्स को बेचने के बाद भी लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा यानी कि जो गुड्स प्लेज थे उनकी वैल्यू लोन के अमाउंट से कम हो जाती है, अगर कम निकलती है तो बचे हुए अमाउंट के लिए भी प्लेजी जो है प्लेजर से वो अमाउंट रिकवर करने के लिए लीगल हेल्प लीगल रेमेडी सीख कर सकते हैं। सो दैट इज इट रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ प्लेज, ये आपको फर्दर क्लैरिफाई कर देगा, क्लियर करेगा बेलमेंट और प्लेज के बीच का डिफरेंस भी, प्लस इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है तो आपको आई होप क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे एजेंसी के बारे में और फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो टिल वी मीट अगेन, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।